हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे ब्रेड से बनने वाले दही बड़े। ब्रेड से तो दही बड़े कई तरीके से बनते हैं, लेकिन मैं आपको बिना गैस जलाए फटाफट 5 मिनट में झटपट बनने वाले दही बड़े की रेसिपी बताऊंगी, जो मैं घर पे बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए ब्रेड के दही बड़े बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम देखते हैं हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी। तो ब्रेड के दही बड़े बनाने के लिए हमें यहाँ ब्रेड तो चाहिए ही। यहाँ पर मैंने ली है ब्रेड जो कि ताज़ी और सॉफ्ट है, और यहाँ पे मैंने एकदम चिल्ड दही ली हुई है, दूध है, इमली की चटनी है सोट वाली, और ये भुने जीरे का पाउडर, कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट अपने चॉइस से आप डाल सकते हैं जो आपके पास हो। और ये काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट, ये है चाट मसाला, और ये खोया। अगर आपके पास खोया ना हो, मेरे पास था तो मैं डाल रही हूँ, ना हो तो आप मलाई में थोड़ा ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, और कुछ अगर आपके पास नारियल का बुरादा हो तो आप वो डाल के अंदर स्टफिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम दही बड़े बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रेड की स्लाइसेस से ये साइड से के जो ये पार्ट है ये वाला निकाल देंगे। इसके लिए आप एक नाइफ की हेल्प से इसको कट कर सकते हैं इस तरीके से। सारे ब्रेड के किनारे ऐसे हम कट करके निकाल देंगे, फिर बताते हैं हम आगे कैसे हम बनाएंगे बड़े। ये ब्रेड के किनारे हमने निकाल दिए हैं, अब चलिए इसकी स्टफिंग बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पे मेरे पास जो ये खोया है, आप इसकी जगह मलाई भी यूज कर सकते हैं। इसमें इन ड्राई फ्रूट्स को हम ऐड कर देंगे, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो या आपके पास हो उनको आप ले लीजिए, और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। तो चलिए हमारी स्टफिंग बन गई। अब यहाँ पे हम ये दूध लेंगे, इस दूध में ब्रेड को डिप करेंगे, और जैसे कि हम अच्छी तरीके से ये गीले हो जाएं तो इसमें हम अच्छे से स्टफिंग कर सकेंगे। इसको प्रेस करके इसका दूध अच्छे से हमें निकाल देना है। देखिए एकदम ऐसे निकाल देंगे हम, और फिर ये स्टफिंग भरेंगे। इस स्टफिंग में आप अदरक, हरी मिर्ची, धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें ना हो तो आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। झटपट से बन जाने वाले ये दही बड़े हैं। तो चलिए इनकी हम बॉल्स तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारे ये, इनको आप शेप भी अपनी मर्जी से दे सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड सर्कल शेप दे रही हूँ इन भल्लों को। तो चलिए इनको हम प्लेट में रख देते हैं और दूसरा बनाते हैं। इसी तरीके से हम सब तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे दही बड़े तैयार हो गए हैं। अब चलिए इनको हम इस पे दही डालते हैं। आप इन बड़ों को पहले से भी बना करके फ्रिज में रख सकते हैं, और जब खाना हो एकदम चिल्ड दही डाल के आप खा सर्व कीजिए। इसके लिए यहाँ पे मैं लूँगी अब दही। दही को अच्छी तरीके से आप फेंट लीजिए। ये एकदम थिक और चिल्ड दही है, इसको मैं अच्छी तरीके से विस्क कर दूँगी। तो ये दही हमारी फिट गई अच्छी तरीके से, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। तो चलिए अब इसको हम अपने बड़ों पर पोर कर देंगे। ये बड़े झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। जब भी आपका मन करे आप कुछ खाने का तो आप तुरंत बना सकते हैं, या आपके घर में गेस्ट आ गए हो और आपके पास उस समय देने के लिए कुछ ना हो तो आप तुरंत ये बड़े बनाइए और इन्जॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस पर मैंने अच्छी तरीके से देखिए दही डाल दी है। अब इनको चलिए गार्निश करते हैं। अब इस पर हम चलिए डालते हैं ये इमली और सौंठ की चटनी। आप इस पर ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं आपके पास हो या आपको पसंद हो। मैं सिर्फ अभी ये मीठी चटनी डालूंगी क्योंकि मेरे पास ग्रीन चटनी नहीं थी और मुझे उतनी पसंद भी नहीं है दही बड़ों में, तो इसलिए मैं नहीं डालूंगी। मीठा जितना आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप ये डाल लीजिए। अगर आपको थोड़ी मीठी दही पसंद हो, दही बड़े मीठे पसंद हो, तो आप दही में थोड़ी सी शक्कर ऐड कर सकते हैं। मैं इसे प्लेन रखी हूँ क्योंकि मेरी चटनी काफ़ी मीठी है और उन्हीं से फ्लेवर आ जाएगा। और इसके ऊपर मैं ये डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट, ये मैं इस पर स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। ये भुना जीरा पाउडर है जो मैं इस पर डाल रही हूँ, और ये चाट मसाला मैं डाल रही हूँ जो कि मैंने घर पे ही बनाया है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और आप इस पे अगर आपको पसंद हो तो रेड चिली भी थोड़ा सा ऐड कर दें। वैसे तो चटनी में स्पाइसी भी रहती है चटनी, मीठी भी, तो सब बैलेंस हो जाता है।
तो ये देखिए तैयार हो गए हमारे दही बड़े खाने में, जो कि बहुत ही टेस्टी होंगे और बहुत ही यम्मी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन फ्रेंड दही यहाँ पे आप फ्रेश यूज़ कीजिएगा, अगर फ्रेश दही नहीं होगी तो आप दही में चीनी ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो टेस्ट बहुत खट्टा आएगा। तो चलिए तैयार हो गया हमारे, देखिए एकदम सॉफ्ट दही बड़े, एकदम टेस्टी और सॉफ्ट दही बड़े हमारे बनके तैयार हैं। तो तैयार हो गए हमारे ब्रेड के दही बड़े। अगर आपको मेरे दही बड़े की रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।